एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर जो कि क्लास एट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकेंड, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, हम यहाँ पर हर एक प्रश्न आपको जो है पढ़ के बताएंगे और आपको इसका आंसर देना होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। वाई आर सम ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? प्यारे विद्यार्थी, आप सभी जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमने क्या बताए थे आपको? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, ये सभी हमने आपको इसके क्या बताए थे? एग्जाम्पल बताए थे। डियर स्टूडेंट्स, अब सेकेंड क्वेश्चन जो है, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशन, जो सूक्ष्म जीव हैं ये विषम परिस्थितियों में कैसे सर्वाइव कर लेते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी, आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह हैं, चाहे हम गर्म झरने की बात कर लें या फिर हम आइस रीजन, पोलर रीजन की बात कर लें, पोलर रीजन में भी जो है कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, हॉट झरने में भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पहला है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। बैक्टीरिया डेवलप प्रोटेक्टिंग लेयर आउटसाइड द सेल, इट इज कवर्ड बाई थिक स्पोर कोट। तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक कोट बना देता है, एक लेयर बना लेता है, और ये जो लेयर है ये इसको हेल्प करता है एडवर्स कंडीशन में, है ना, सर्वाइव करने के लिए। दूसरा है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन इज द कवरिंग ऑन बैक्टीरिया सेल इन एडवर्स कंडीशन। तो सिस्ट का मतलब ही होता है एक मोटी सी लेयर बना लेना। तो काफ़ी जगह पर जो है बैक्टीरिया अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेता है। तो यहाँ पर दो एडवर्स कंडीशन बताए हैं हमारे द्वारा, एंडोस्पोर्स और फॉर्मेशन एंड सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट। बाकी का अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें बॉयज, तो आपको पता है कि जब आपको फीवर वगैरह आता है तो आपकी बॉडी टेम्परेचर को राइज कर देता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। हमारा शरीर टेम्परेचर को इसलिए बढ़ा देता है प्यारे विद्यार्थी, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो अधिक टेम्परेचर पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते और बैक्टीरिया की संख्या उतनी ही बनी रहती है ना। तो ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है, आपको मतलब आना चाहिए ये वाला पॉइंट, है ना। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, नेम द बाई प्रोडक्ट फॉर्मेड आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, राइट देयर एडवांटेज। तो यहाँ पर आपको नाम बताना है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, सीवेज का जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, राइट देयर एडवांटेज, और आपको इसके एडवांटेज भी बताने हैं, है ना स्टूडेंट। तो चलो, द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बाई बैक्टीरिया प्रोड्यूस गैसेस सच एज मीथेन एंड बायोगैस। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलने वाला है जो तो वो कहीं ना कहीं मीथेन है और बायोगैस है। एडवांटेज क्या क्या है? बायोगैस लिमिट द अमाउंट ऑफ मीथेन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूज डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। जैसे जैसे आप बायोगैस का प्रयोग करोगे एटमॉस्फेयर में तो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, जो जीवाश्म ईंधन है आपको उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ डू फूड कंटेनर्स रिड्यूस माइक्रोब्स अटैक। तो आप फूड कंटेनर को कैसे कम कर सकते हैं माइक्रोब्स अटैक, मतलब माइक्रोबियल अटैक को कैसे कम कर सकते हैं किसी भी फूड कंटेनर में? तो फूड्स आर स्टोर इन प्रोबली सील्ड पैक और एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम मॉइस्चर एयर एंड फ्रॉम अदर इन्फेक्टस एजेंट दैट लीड टू माइक्रोबियल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप जहाँ पर स्टोर कर रहे हैं उसे सील पैक कर दीजिए, एयर टाइट कर दीजिए, एयर नहीं जानी चाहिए, नमी नहीं जानी चाहिए वहाँ पे। बहुत सारे और भी तरीके हैं, आप केमिकल का यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग अनाज वगैरह रखते हैं तो वहाँ पर नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, है ना, जिससे कि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वाई आर वायरस कंसिडर अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है डियर स्टूडेंट, आपको भी लग रहा होगा कि ये प्रश्न कितना अच्छा है। क्यों सजीव और निर्जीव के बीच में ब्रिज बनाने का काम क्यों करता है वायरस? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि वायरस कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट जस्ट लाइक एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दिस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टू लॉस व्हेन वायरस इज आउटसाइड द होस्ट। प्यारे विद्यार्थी, जब वायरस हमारे बॉडी से बाहर होता है, किसी भी लिविंग होस्ट से बाहर होता है, तो वो केवल एक वायरल पार्टिकल होता है। आप उसे सेल भी नहीं बोल सकते, उसे केवल एक पार्टिकल बोलोगे। और पार्टिकल कंटेनिंग ओनली ओनली न्यूक्लिक एसिड, उसमें केवल न्यूक्लिक एसिड कंटेंट होता है, उसके अलावा ना तो उसमें कोई ऑर्गन्स हो दिखाई देते हैं, है ना। तो ऐसे में आप उसे सेल नहीं बोल सकते। लेकिन जब वो एक होस्ट सेल के अंदर होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो है लिविंग में आप उसे कंसिडर करते हो, है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज प्रेजेंस ऑफ एल्गी इन वाटर रिजल्ट रिड्यूजिंग ऑफ O2 कॉन्टेंट? यानी कि एल्गी जो है वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी कैसे कर देती है ना। तो डियर स्टूडेंट, आपने यूट्रोफिकेशन के बारे में सुना होगा, आपने देखे होंगे बहुत सारे तालाब, और उन तालाब में जब गांव में जलमंजनी हो जाती है, तो जलमंजनी की जब संख्या बढ़ती है, जलमंजनी जब ग्रो करती है, तो बॉयज वहाँ पर ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट जाता है, यानी कि बाहरी एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर नहीं पहुंच पाता। और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो ऑलरेडी फिश वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती हैं, या वो जंगली जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, द एल्गी फ्रॉम द लेयर ओवर वाटर विच कट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर विद एटमोसफेयरिक ऑक्सीजन एंड देन इट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। तो प्यारे विद्यार्थी, यही मैंने आपको बताया था कि जो एटमोसफियर की ऑक्सीजन है उससे कट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एल्गी इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है कि जो एक्वेटिक लाइफ है उससे ऑक्सीजन का लेवल ही कट जाता है। द ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी कंज्यूम ऑक्सीजन, और एल्गी इतनी तेज़ी से ग्रो करती है कि जितना भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन है वो सब एल्गी ही एब्जॉर्ब कर लेती है ना। अब हम बात करेंगे आपके जो डिटेल प्रश्न है उसके बारे में। पहला प्रश्न है डिटेल में, एक्सप्लेन द करेक्टर ऑफ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप सभी जानते हैं क्या क्या होते हैं, ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसे देख सकते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स है, ये भी हम जानते हैं। वायरस सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी हम जानते हैं, है ना। वायरस कैन लिव ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ये भी जानते हैं। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट कराए, आप चाहें तो इन्हें और बड़े आंसर्स के रूप में लिख सकते हैं। स्टेट फाइव यूज ऑफ बैक्टीरिया फंगस एंड एल्गी। तो यूज ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे सबसे पहले, तो द बेनिफिशियल यूज ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फूड सच एज योगर्ट, चीज, वाइनेगर, है ना, इन सब का हम प्रयोग करते हैं, है ना, माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से। बायो टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस सच एज ड्रग्स एंड विटामिंस। एग्रीकल्चर फाइबर का जो है रेटिंग करना, जानते हो ना रेटिंग करना, जैसे हमने देखा कपास वगैरह को आप पानी में दबा देते हो जिससे कि उसके फाइबर अलग अलग हो जाते हैं, और बीच में जो सेलुलोज की लेयर है वो मेल्ट हो जाती है, घुल जाती है। ह्यूमन एंड एनिमल डाइजेशन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले फंजाई, ईस्ट और फंजाई आर क्रूशियल फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट मेक्स बियर, वाइन्स, ब्रेड। तो फर्मेंटेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, बियर बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। सम फंजाई आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन सच एज पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। दे आर मॉडल रिसर्च ऑर्गेनिज्म। एल्गी, एल्गी आर यूज एज थिकनिंग एजेंट फॉर फूड, बायोडीजल फ्यूल्स, पॉल्यूशन कंट्रोल, बैक्टीरियल ग्रोथ मीडियम एक्सेट्रा। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर हम एल्गी के बारे में बात की कि एल्गी क्या है। ये एक एजेंट है फूड, बायोडीजल फ्यूल, पॉल्यूशन कंट्रोल, इस सब एल्गी के द्वारा होता है ना डियर स्टूडेंट। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, लिस्ट फाइव वे इन विच वायरस, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू अस। प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले हम बात करेंगे डिसीज ऑफ बैक्टीरिया वायरस के बारे में। तो आपको पता है वायरस के द्वारा बहुत सारी बीमारियां होती हैं। वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग मैनी डिजीज, जैसे कि एड्स हो गया आपका, कॉमन कोल्ड हो गया, इवोला हो गया, जेनेटिक हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मिसेल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया,
सिंगलेस हो गया। अब प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं? प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड अमीबा हिस्टोलिटिका कॉसिस अमीबियोसिस, यानी कि अमीबियोसिस जो बीमारी है वो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है। ट्रिप्नोसोमा कॉसिस स्लीपिंग सिकनेस, बहुत सारे लोगों को सोने की बीमारी हो जाती है जो ट्रिप्नोसोमा के द्वारा होती है। लेशमानिया इज एनोदर प्रोटोजोन्स टू दैट कॉस काला आजार, लेशमानिया के द्वारा काला आजार की जो बीमारी है वो हो जाती है। बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरिया एक्ट एज पैथोजेंस, बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस के रूप में काम करते हैं। बैक्टीरिया स्पॉयलेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि भोजन को सड़ा देता है। कंटेनिंग ऑफ वाटर, कंटामिनेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंटामिनेट कर देता है बैक्टीरिया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, डियर स्टूडेंट्स कह रहा है फूड प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग वेस्ट पॉल्यूटेड और स्पॉइल। केमिकल मेथड में सम केमिकल आर यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड मटेरियल एज दे इनहिबिट माइक्रोवियल ग्रोथ, जैसे कि कैसे रोक सकते हैं माइक्रोवियल ग्रोथ को, नमक मिला के, साल्टिंग के द्वारा, एडिंग शुगर, चीनी मिला के, हीट और कोल्ड के द्वारा रोक सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे शुरुआत सबसे ऊपर से करते हैं, प्लांट प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एनिमल न्यूट्रिशन, प्लांट से एनिमल ने न्यूट्रिशन लिया, एनिमल प्रोटीन जो है, अब अमोनिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा अमोनिया इन सॉयल, सॉयल में अमोनिया मिल जाएगी, सॉयल में अमोनिया नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। तो पूरा चक्र है डीएसटू में, आपको ये बनाना है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना लो। तो प्यारे विद्यार्थी, क्लास 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। आपने हमारे चैनल पे समय दिया, इसके लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ। आप हमारे चैनल पे इसी तरह से आते रहिएगा, ये आपका चैनल है, मैं आपका अपना राजू यादव। अगर चैनल की इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल से लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।